साथ इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के लिए एक अच्छी और राहत की खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, एक अच्छी खबर है कानपुर के लिए। स्वास्थ्य विभाग को दूसरी रिपोर्ट आने का भी इंतजार है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमितों की मरीजों की जो संख्या है वो कानपुर में भी बढ़ रही है, और उसी को देखते हुए आज एक कानपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है। कानपुर के लिए एक अच्छी खबर है, कानपुर के लिए ही नहीं बल्कि यूपी के लिए यह एक अच्छी खबर है। 20 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के लिए ये डिस्चार्ज किए जाएंगे, और सरसौल सीएचसी में भर्ती थे 21 कोरोना संक्रमित मरीज। आपको बता दें कानपुर के लिए इस वक्त की अच्छी खबर, 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, बड़ी खबर और एक अच्छी खबर। और सीएमओ ने क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। कानपुर नगर में अभी तो कोई भी नए केसेस की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल हमारे जो पुराने केसेस हैं उन्हीं सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमारे पुराने सरसौल में 31 केसेस भर्ती थे, उसमें से 20 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई जिनको, और हम सेकंड रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसी सेकंड रिपोर्ट आ जाती तो इन सब 20 लोगों को, ये लगभग ठीक हो चुके हैं, तो इनको हम पुनः घर जाने के लिए कहेंगे। बाकी आज हमने एक हलीम कॉलेज में 100 बेड का क्वारंटाइन फैसिलिटी चिन्हित की है, जहाँ पर भी हम जाके लोगों को रखेंगे। और वहाँ पर हमारा पूरा स्टाफ तैयार है, सैनिटाइज हो रही है, जैसे ही तैयार हो जाएगी इस फैसिलिटी को हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी बीच